हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक नेल आर्ट, एक सिंपल नेल आर्ट जो मेरी बेटी रिया मेरे नेल्स पे ट्राई करने वाली हैं। आई होप कि आप सबको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो ये जितना भी आपको दिख रहा है वो मेरा नेल पेंट कलेक्शंस है अभी तक का। फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट आपको नेल्स क्लीन करना है अच्छे से, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ऐसे आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको नेल्स फाइल करना है। मामा का नेल्स अभी आप चाहे तो अपने हिसाब से आप नेल्स शॉर्ट और लॉन्ग भी रख सकते हैं। मैं ओवल शेप रखने वाली हूँ मामा के हाथ पे, और देख के लग रहा है कि नेल्स कट करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं जो सिंपल फाइल कर रही हूँ और उसे शेप दे रही हूँ, ओवल शेप, उसे पूरा डिफाइन कर रही हूँ अच्छे से। सो आपको जैसा भी पसंद है नेल्स का शेप, स्क्वायर, टेपर्ड, ओवल, राउंड, आप वैसा रख सकते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ इट्स टाइम टू पुट द नेल पेंट। मैं यूज़ कर रही हूँ मरून शेड, इट्स काइंड ऑफ डार्क पिंकिश शेड। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, अपना फेवरेट कलर, आपको आपके पास जो भी नेल पेंट है। इसे पूरे नेल्स पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। अगर थोड़ा बाहर लग भी जाता है तो कोई बात नहीं है, आप कॉटन बर्ड से आप उसको क्लीन कर सकते हैं बाद में। जितना भी बाहर नेल पेंट लग गया था नेल से बाहर, अभी मैं कॉटन बर्ड से उसे क्लीन कर रही हूँ। सो कोई टेंशन की बात नहीं है अगर लग जाता है बाहर, हम कोई भी प्रोफेशनल नहीं होते हैं। लग जाता है तो इट्स ओके, इवन प्रोफेशनल्स भी जो नेल पेंट लगाते हैं उनका भी हाथ से बाहर निकल ही जाता है। तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सेकंड कोट लगा रही हूँ टू मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर, सो दैट एटलीस्ट ये 1 वीक तक स्टे करे। नॉर्मली अगर आप चाहते हैं आपका लॉन्गर स्टे करे, सो लोग आजकल अक्रीलिक, अक्री जेल और जेल नेल्स करते हैं। मेरे हाथ में अभी अक्री जेल है विच स्टेड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 4 वीक्स, और अभी भी स्टे कर ही रहा है। मैंने उसके ट्रिम कर दिए अपने नेल्स को, लेकिन ये नॉर्मल नेल पेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो ये 1 वीक ही अगर लास्ट कर जाए वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप हाउस चोर्स पूरा संभाल रहे हैं तब तो फिर 1 वीक ही स्टे कर जाए तभी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो सबके पास बहुत काम होता है और फिर नेल पेंट निकल ही जाता है नॉर्मल। नेक्स्ट मैं नेल आर्ट करने वाली हूँ। आई एम यूजिंग ओरली नेल पेंट्स, लाइट पिंक शेड ऑन डार्क पिंक के साथ ये जाएगा अच्छे से। मैं पोल्का डॉट्स बनाने वाली हूँ इन रिंग फिंगर। मैं सिर्फ एक ही फिंगर में नेल आर्ट कर रही हूँ पोल्का डॉट्स, एंड बाकी सारे मैं प्लेन रखने वाली हूँ एंड थोड़े से ग्लिटर्स यूज़ करने वाली हूँ। मैं एक स्टिक यूज़ कर रही हूँ पोल्का डॉट्स बनाने के लिए।
आप कोई टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं या कोई निडल, उससे भी हो जाता है। अब मैं बाकी सारे नेल पेन नेल्स पे ग्लिटर अप्लाई करने वाली हूँ। टिप पे मैं बाकी सारे नेल्स के टिप में ग्लिटर अप्लाई करूँगी, बट जिसमें मैंने नेल आर्ट किया है पोल्का डॉट, उस पर मैं पूरा पूरे नेल्स पे ग्लिटर का एक क्लियर ग्लिटर का एक पूरा कोट अप्लाई करने वाली हूँ, एंड बाकी सब में सिर्फ ऑन द टिप में। मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन ग्लिटर ऑन क्लियर नेल पेंट, एंड ये मैंने प्राइमार्क पेनीज से लिया है। प्राइमार्क, इट्स कॉल्ड प्राइमार्क इन यूके एंड पेनीज इन आयरलैंड एंड अदर प्लेसेस इन यूरोप आई गेस। ऐसा नेल पेंट इंडिया में भी बहुत इजीली कहीं भी मिल सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है किसी और ब्रांड का, बहुत सारे ब्रांड्स के। ये एकदम बेसिक गोल्डन ग्लिटर गोल्डन नेल पेंट है। आप कोई भी कलर का या कैसा भी ग्लिटर नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस नेल पेंट जो बाहर लगा है उसे आप कॉटन बर्ड से हटा दीजिए। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द टॉप कोट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपका, आई एम नॉट श्योर आपका नेल पेंट 1 वीक तक भी एटलीस्ट स्टे करेगा या नहीं करेगा, इसलिए टॉप कोट लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप घर के काम संभाल रहे हैं एंड एवरीथिंग कर रहे हैं, हाथ बहुत यूज़ कर रहे हैं घर के कामों के लिए, तब नेल पेंट आपका निकल सकता है। इसलिए टॉप कोट लगाना बहुत ज़रूरी है अपने नेल पेंट को लॉन्गर लाइफ स्पैन देने के लिए, एंड 1 वीक की ही गारंटी होती है इसमें कि 1 वीक तक आपका पूरा अच्छे से स्टे करेगा, फिर चिप ऑफ होना स्टार्ट हो सकता है। अब मैं हाथ में हैंड मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ। यहाँ मैं वेनिला एसेंस का हैंड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी हैंड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका नेल पेंट ड्राई हो जाता है आप अच्छे से हैंड मॉइस्चराइज़र लगाइए अपने हाथ में टू मेक इट मोर हाइड्रेटेड एंड सॉफ्टर। उसके बाद मैं क्यूटिकल मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ। आप क्यूटिकल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्यूटिकल पे यूज़ करने वाली हूँ, अप्लाई करने वाली हूँ ये पूरा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि आप जब मैनिक्योर करते हैं नेल पेंट लगाते हैं उससे पहले का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ड्राई कर देता है आपके क्यूटिकल को, जब आप क्लीन करते हैं क्यूटिकल्स एंड पूरे नेल्स को अच्छे से। सो पूरा जब आपका नेल पेंट लगाना फिनिश हो जाता है आपको हमेशा अपना हाथ अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए टू मेक इट सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड एंड फ्लॉलेस। दिस इज़ द फाइनल लुक। डू लेट अस नो आपको कैसा लगा इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, एंड प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अमेजिंग अपडेट्स लाइक दिस। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।